दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें एक केंद्रीय एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो अभी भी जेल में है। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। साल 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहे अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आए 10 साल हो चुके हैं। इस पार्टी ने जितनी तेजी से संगठन का विस्तार किया है, उतनी ही विवादों से लेकर घोटालों की वजह से सुर्खियों में रही है। आम आदमी पार्टी के अब तक 8 मंत्रियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इनमें अबकारी नीति मामले में गिरफ्तार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार, जितेंद्र सिंह तोमर, सोमनाथ भारती, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान और विजय सिंगला हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार के साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सिसोदिया इस समय टोटल 18 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिनमें से 6 विभाग सत्येंद्र जैन के थे। मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब सिसोदिया को गिरफ्तार करके ले जाने के बाद न सिर्फ दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ेगा, बल्कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश में विस्तार की योजनाओं पर काम कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये गिरफ्तारी मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। मनीष सिसोदिया पर इस मामले में सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ब्यूरोक्रेट ने सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है। वहीं सीबीआई को इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ कई डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं। इसमें व्हाट्सएप चैट से लेकर कई फोन के IMI नंबर मिले हैं जिन्हें सिसोदिया इस्तेमाल कर रहे थे। इन सबूतों को पूछताछ के दौरान सिसोदिया के सामने भी रखा गया, जिनका वो जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। केस के अन्य आरोपियों में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं और ये सभी फिलहाल सस्पेंड हैं। मनीष सिसोदिया से पहले मई 2022 में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में ईडी ने कहा जैन जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे, वे मामले से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसियों से छुपा रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल सत्येंद्र जैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल अभी सीबीआई दफ्तर में है। आज दोपहर 1 बजे तक सीबीआई राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश करेगी। पेशी से पहले उनका मेडिकल किया जाएगा। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।